हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सी स्नैक्स की रेसिपी, जिसे कि बच्चे भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देख लेते हैं ये स्नैक्स की रेसिपी। आज मैं आपके साथ इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा प्याज लिया है, एक छोटा टमाटर लिया है जिसके मैंने सीड्स हटा दिए हैं, साथ में मैंने थोड़ी सी यहाँ पर धनिया के पत्ते ले लिए हैं और सभी को मैंने बारीक कट किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, तो आप स्वाद के अनुसार चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। तो इसी प्लेट में मैं ये चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये 1/4 चम्मच के करीब इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर डाल देंगे इसमें ओरिगैनो, तो 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ओरिगैनो डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, तो जितना यहाँ पर प्याज टमाटर है उसके अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे और उसके बाद सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर का ये मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये स्लाइस वाली चीज़ और इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइस वाली चीज़ को 9 टुकड़ों में कट करूँगी, तो छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे इसके। ये देखिए इस तरीके के, यहाँ पर मैंने इस तरीके के छोटे छोटे इसके पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं ये मोनाको बिस्किट्स। आप यहाँ पर कोई भी नमकीन वाले बिस्किट ले सकते हैं, जो भी नमक के फ्लेवर में होगी वो बिस्किट यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने छोटे छोटे चीज स्लाइस कट करके रखे हुए हैं सभी बिस्किट के ऊपर लगा देने हैं, तो इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे इस तरीके से। तो मैं सभी पर इस तरीके से लगाकर तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सभी बिस्किट पे ये चीज स्लाइस लगाकर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हम लगा लेंगे ये टमाटर प्याज वाला मिक्सचर, तो सभी पे हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से रख देंगे। तो इस तरीके से मैं सभी पे लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सभी पे ये टमाटर प्याज का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो लगा लिया है। बहुत ही सुंदर से दिख रहे हैं हमारे ये बिस्किट सारे। उसके ऊपर हम इस लगाएंगे थोड़े से आलू भुजिया, अगर आपके पास नमकीन सेब है तो वो लगा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आलू भुजिया डाल देंगे इसके ऊपर। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो इस नाश्ते को हमने बिना पकाए बनाया है। इस तरीके से नाश्ता शाम की चाय के साथ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार है ये खाने में और फटाफट तैयार भी हो जाता है, हमें गैस चलाने की भी ज़रूरत नहीं है इसे बनाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई करें, अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।